टेट सीटेट का परसेंटेज का वीडियो नंबर थर्ड है फॉर टेट सीटेट एंड UPTGT मैथमेटिक्स एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन स्टार्टिंग होने वाले हैं वो परसेंटेज से डिपेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि प्रतिशत से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 130 का कितने परसेंट, 60% इक्वल टू 11.7। 130 का कितने परसेंट 11.7 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 130 का हम एक्स मान ले रहे हैं, एक्स परसेंट इक्वल टू 11.7। तो 130 इंटू एक्स परसेंट है तो एक्स अपॉन 100 हो जाएगा 11.7। 0 से 0 हटाते हैं तो 13/10 इंटू एक्स इक्वल टू 11.7, यानी एक्स इक्वल टू 11.7 इंटू 10/13 तो होगा 117। 10 से मल्टीप्लाइंग करेंगे अपॉन 13, 13 नम्मा 117 एक्स इक्वल टू आ जाएगा 9, यानी 130 का 9% 11.7 हो जाएगा। ठीक है, वो जो क्या कितने परसेंट था उसको हमने एक्स मान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का कितने परसेंट 240 होगा। 90 का कितने परसेंट बराबर 240। तो यहाँ पे मान लेंगे 90 का एक्स परसेंट इक्वल टू 240। तो 90 इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 240। ये 0 से 0 कैंसिल किया, 9x/10 इक्वल टू 240, यानी x इक्वल टू 240 इंटू 10/9। ठीक है, 3 से काट सकते हैं, 3 3 9, 3 8 24, 80 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 800/3। ठीक है, इसको पॉइंट में आंसर दे सकते हैं, कम्प्लीटली कैंसिल होगा नहीं। अगर इस तरह से आंसर दिया है तो इस तरह से दे सकते हैं, नहीं तो आंसर आएगा 800/3। 800 को डिवाइडिंग करेंगे 3 से, तो 3 2 6, 2 3 6 18, 2 3 6 18, 2, और ठीक है ऐसे ही आता चला जाएगा बार बार। इसको लिख सकते हैं 266 सही 2/3। ठीक है, यहाँ पे 2 शेष बच रहा है, सही बटे में अगर लिखना चाहें तो 266 सही 2/3, ये इसका आंसर आ रहा है 266 सही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3% 5% का कितने परसेंट है आप देखिएगा, 3% 3% 5% का कितने परसेंट है। तो जो जिसका निकालना होता है, जैसे 3 को निकालना है 5 के टर्म में, तो 5 को रखेंगे नीचे, 3% 5 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगी, 3% 5% का कितने परसेंट इंटू 100 किया जाएगा। 3% 3/100, 5% 5/100 इंटू 100, ये जी 100 तो कैंसिल हो गए, 3/5 इंटू 100 कैंसिल किया, 20 20 या 60, यानी कि 3% 5% का 60% है। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर 50 में से 30 नंबर आ रहे हैं, 5 में से 3 आ रहे हैं, तो भी तो 60% होता है, ये भी तो 60% है। अगर 60/100 कर दें तो भी तो 60% हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाइंग कर दें यहाँ, या 20 से मल्टीप्लाइंग कर दें तो 60/100 बन ही जाएगा। तो ये कंडीशन आपस में सब बराबर है, 60/100 को लिखा जाएगा 60%। ठीक है, तो 3% 5% का हो गया 60%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 0.05 बीस का कितने परसेंट है। 0.05 बीस का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही देना है, 0.05/20 इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगी। तो 0.5, ठीक है, 0.05 बीस से काटा, 20 5 100, 0.05 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 0.25 0.25%, 0.25 आया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 25%, 0.25%। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर सकते हैं, गलती करने का चांसेस है,
ठीक है, आंसर में 0.25% भी आ रहा है। और कोई बंदा सोचेगा अरे पॉइंट हटाओ, पॉइंट के नीचे 100 लाओ, 25%, 25% भी आंसर दिया हुआ है, तो कि 25% गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये परसेंटेज में चल रहा है, क्योंकि 100 से हम मल्टीप्लाइंग कर चुके हैं। ठीक है, तो 0.05/20 × 100 करने से वो परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो चुका है, तो ये आ रहा है 0.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/7 का कितने परसेंट 1/35 है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2/7 का कितने परसेंट। तो यहाँ मान लेंगे 2/7 का एक्स परसेंट इक्वल टू 1/35, तो 2/7 × x/100 हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट, एक्स परसेंट माना है तो एक्स की वैल्यू फाइंडिंग कर लिया जाएगा। ठीक है, ये करते हैं 50 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 50 × 7/35, 7×5 35 एंड 50/5 = 10, यानी कि 10%, 2/7 का 10% बराबर 1/35 होगा। ठीक है, दो बटे सात का 10% 1/35, 1/35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, परसेंटेज पर इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, 18 ग्राम 7.2 kg का, किलोग्राम का कितने परसेंट है। ठीक है, 18 ग्राम 7.2 kg का कितने परसेंट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 18 ग्राम इतने किलोग्राम का कितने परसेंट है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्टिंग कर लें, तो अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाइंग होगा, तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी कि 7200 ग्राम, 18 ग्राम 7200 ग्राम का कितने परसेंट है। तो कैसे निकालेंगे, व्हाट परसेंट, 18/7200 × 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 18/72 8 18 9 2 18 9 9 9 72, ये 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4.25 आ जाएगा, 0.25%। 1 को 4 से डिवाइडिंग करेंगे, 0 4 2 8 2 4 0 4 5 20। ठीक है, 0.25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स परसेंट बराबर क्या का कितने का 10%। एक्स का एक्स परसेंट कितने का 10% है। एक्स का एक्स परसेंट का मतलब गुणा एक्स बाई 100 कितना है। तो इसको कुछ मान लो, चलो ए मान लिया हमने, ए का 10%, 10/100, ए की वैल्यू फाइंडिंग करना है, यानी एक्स का एक्स परसेंट कितने का 10% के बराबर है। का मतलब गुणा है या 10/100 था, तो 1/10 हो गया, एंड ये एक्स स्क्वायर बाई 100 है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 10 इक्वल टू ए, ये आ गया, ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10 आ चुका है।